दोस्तों नमस्कार, आपका लेक्चर 16 में। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में, आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। और आज शॉर्ट नोट, कमेंट और डिफरेंस बिटवीन जो हमारे कंपनी अकाउंट्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, बेटे आज मैं लेक्चर 16 की शुरुआत कर रहा हूं। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप ध्यान से इन थ्योरी के 50 लेक्चर्स को सुने। तो क्वेश्चन 16 आप लिखें, रजिस्टर खोलें। अब बेटे क्वेश्चन 16 दिसंबर 2014 में जो आया था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, वो तो मैं एस के साथ कराऊंगा, इसलिए मैंने यहां पर बीच में, क्योंकि मैंने 50 का आपको बोला है, तो मैंने एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस मैनुअल से लिया है, अभी दिखा भी दूंगा। अभी आप लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स। आराम से बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक, बुक्स। ये मैंने आपके प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 12 पेज 131 से लिया मेरे बेटे। तो आप थ्योरी का रजिस्टर अपना खोल ले, प्रैक्टिस मैनुअल भी निकाल ले और आप ध्यान से 15-20 मिनट इस लेक्चर को सुने। बड़ा छोटा सा लेक्चर है, पेपर में बार बार आ रहा है बेटे आजकल स्टैटिस्टिकल बुक्स। जब से कंपनीज एक्ट 2013 चेंज हुआ तब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर काफी सारी बातें वो पूछते जा रहे हैं। कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट नहीं बेटे। नेगेटिव को खींचती है, आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बनना है, तभी तो लाइफ में आगे हम बढ़ेंगे। आप किसी भी महान व्यक्ति को देखें जो आपकी नजर में महान है बेटे, उसमें कॉमन बात होगी, दैट पर्सन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंकर। बेटे नेगेटिव थिंकर ऊपर जा ही नहीं सकते, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए एक प्री कंडीशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको ये नहीं सोचना कि एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेटे जिनका नहीं होता ना, वो नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव र्यूमर्स फैला देते हैं, क्योंकि उनको तो अंगूर मिले नहीं, तो वो कहते हैं जी अंगूर खट्टे हैं। लेकिन बेटे ऐसी बात है नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं CA CS CM में, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, काम मिलता है करने वाला चाहिए। तो आप अपने आप को उन तुच्छ नकारात्मक लोगों की बातों में आकर चक्कर में मत पड़िएगा, आप र्यूमर्स में मत रहिएगा। आप दृढ़ संकल्प के हैं, आपके डिटर्मिनेशन, आपके कमिटमेंट कुछ अलग है, तो आपने उस तरह की बातें करनी है मेरे बेटे। तो आइए आज हम क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ेंगे। शिव खेड़ा का नाम सुना होगा, वो कहते हैं जी विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स अलग अलग तरह के काम नहीं करते, वो एक ही तरह का काम अलग ढंग से करते हैं। बेटे उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक सिर, सब कुछ हमारे जैसा ही होता है बेटे, लेकिन वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव उनके पास भी आता हुआ ऐसा थोड़ी है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है मृत्यु लोक में जिसको प्रॉब्लम्स ना हो। बेटे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आप तभी सक्सेस अचीव कर सकते हैं जब आप उसको पॉजिटिव ढंग से देखें। तो हम आज प्रैक्टिस मैनुअल को खोलेंगे। चलिए भगवान का एक मिनट के लिए याद करें, फिर आगे चलेंगे।
आइए दोस्तों, मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैंने 16th में, ये चेक कर लीजिए, क्वेश्चन 16th आपकी प्रैक्टिस मैनुअल का लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स? सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 12 पेज 131। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स? स्टैटिस्टिकल बुक्स कौन सी होती है? तो हम प्रैक्टिस मैनुअल का पेज 131 ओपन करेंगे। बिल्कुल बेटे, प्रैक्टिस मैनुअल आप सबने डाउनलोड की हुई है, आप उसका स्पाइरल बाइंडिंग कर रहे हैं, मुझे मालूम है। आप प्रैक्टिस मैनुअल में आ जाइए, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैनुअल। चलिए जी, मैं पेज नंबर 131 की बातें कर रहा हूं जी। 131, लो जी, ये नहीं बेटा, क्वेश्चन 12। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स? नो डाउट ये आंसर है, नो डाउट प्रैक्टिस मैनुअल भी है, बट फिर भी हम इसको समझेंगे, लॉजिकली देखेंगे। तो आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए। आप सबको मालूम ही है कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक एक्ट था 1956। बेटे 1956 को हटाकर अब हमने 2013 का नया लॉ रख दिया, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। मैं 2013 की बात करूं या 1956 की बात करूं, बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इज कंपलसरी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो बड़ा ही सिंपल है, अकाउंट्स की बुक्स, जनरल लेजर, परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सभी बुक्स तो रखना कंपलसरी है ही, बट इसके साथ साथ बेटे आप सभी को कुछ स्टेटटरी बुक्स भी कंपलसरी एज अ कंपनी रखनी पड़ती है, कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है। और आजकल तो कुछ स्टैटिस्टिकल बुक्स भी कंपलसरी बेटे रखनी पड़ रही है फॉर बाय अ कंपनी। इसका मतलब कंपनी को एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखनी है, जो अकाउंट्स हैं, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग एक सेक्शन है। उसके अलावा कुछ और भी बुक्स रखनी पड़ती हैं, उन बुक्स को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बुक्स और स्टैटिस्टिकल बुक्स। बेटे स्टैट्यूटरी बुक्स तो कंपलसरी मेंटेन करके रखेगा कंपनी, बट स्टैटिस्टिकल बुक्स उसके एडिशन में और भी रखनी पड़ती हैं। अब एक बच्चा कहता है, जी मास्टर ये तो बता कि स्टैट्यूटरी बुक्स कौन सी होती है। बिल्कुल बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा, आप प्रैक्टिस मैनुअल ओपन कर चुके हैं बेटे, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन वही है, व्हाट आर स्टैटिस्टिकल के ऊपर व्हाट आर स्टैट्यूटरी बुक्स। आप चेक करें, ऊपर वाला क्वेश्चन वही है, व्हाट आर स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? कंपल्सरी, कंपल्सरी। तो व्हाट आर कंपल्सरी बुक्स, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो कंपलसरी आपको रखनी पड़ती है। जैसे मैं कहूं, जी एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कहां पे की है, एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर है जो कंपनी के नेम पे है, उसका रजिस्टर बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय कंपनी
इन इट्स ओन नेम, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम, इन इट्स ओन नेम। सेकंड बेटे, जो चार्जेस हैं, जो एसेट्स उन्होंने गिरवी रखे, गिरवी हाँ, कंपनी अपने पूरे वर्ष में कुछ लोन ले लेती है, कुछ उधार लेती है, और बेटे उस उधार में उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ चार्ज करना पड़ता है, तो उसके चार्ज का अलग से रजिस्टर बनाना कंपलसरी है, भले आपको सेक्शन याद ना हो। मैं देखिए आपको सही बात बता रहा हूं, मैंने आज तक कोई भी थ्योरी में सेक्शंस लिखे नहीं है, लिखने ही नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल याद है तो आप लिखिए, आप अपना समय सेक्शन याद करने में मत लगाइए। आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है भूपेश आनंद, जिसने आज तक एक आध बार छोड़कर कभी एग्जांपल, कभी सेक्शन का नंबर भी नहीं लिखा। बेटे अपने वर्ड्स में इंग्लिश अपने वर्ड्स में लिखनी है, एग्जांपल देने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं, यही काफी है बेटे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो एक तो रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी है जो प्रिपेयर करना चाहिए, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। बेटे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो अभी अभी बोला, इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कि हमारे यहां पर शेयर होल्डर्स कितने हैं, उनका रजिस्टर बनाना। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बेटे ये अभी मैं आपको स्टैटिस्टिकल बुक्स का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। कमर सीधी करके बैठिए, नीले होगा बैठते। स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बुक्स का दे रहा हूं। तो रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। तो बेटे पहला था रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा था रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तीसरा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फोर्थ है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, फिफ्थ है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, कि हमारे यहां पर डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे यहां पर की पर्सनल कौन कौन से हैं, की मैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, फैंटम, चाचा चौधरी, बेटे जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाबी वाले, की मैन का मतलब चाबी वाले, की पर्सनल्स, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, इसका आपको अलग से रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो बेटे ये स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स बनाने पड़ेंगे। स्टैट्यूटरी में रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ की पर्सनल। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है मास्टर पागल हो गया है, पूछा कुछ और है, बताया कुछ और रहा है। हाँ बेटे मुझे पता है, बेटे मुझे पता है, स्टैट्यूटरी बुक्स नहीं पूछा, स्टैटिस्टिकल बुक्स पूछा है। लेकिन बेटे मैं आपको थ्योरी को करने का तरीका बता रहा हूं, जहां पर आपके पास थोड़ा सा सामान कम हो लिखने का, आप आगे पीछे की बातें भी जरूर करो। अभी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, अभी हम उन स्लाइड्स को लिखेंगे, बेटे जरूर करनी चाहिए। अब होता क्या है, जैसे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेटे एक तो होता है मेन ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। एक होता है जी मेन ऑब्जेक्ट, और एक होता है सेकेंडरी, टर्जरी, जो उसके साथ साथ है। मेन क्या पूछा है, व्हाट आर स्टैटिस्टिकल बुक्स, मेन तो यही पूछा है कि भाई स्टैटिस्टिकल बुक्स कौन सी होती है। तो आप सीधा स्टैटिस्टिकल बुक्स में मत आइए, आप पहले स्टैट्यूटरी बुक्स के बारे में बताइए, थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल लिखिए, और फिर धीरे धीरे होले 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 आप स्टैटिस्टिकल बुक्स में आइए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेटे स्टैटिस्टिकल बुक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिकल बुक्स, आप सभी ने स्टैटिस्टिक्स का नाम तो सुना ही होगा,
बेटे फाउंडेशन में किया भी हुआ है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारा डाटा, बहुत सारा डाटा, और उस डाटा को हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टैबुलेट करते हैं, और उस डाटा से रिजल्ट निकालते हैं। इसका मतलब स्टैटिस्टिकल बुक्स में बड़ी सारी आपको इंफॉर्मेशन मिली जाएगी, मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको स्टैट्यूटरी बुक्स बनाने में मदद करेगी। इसलिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज कंपल्सरी दैट एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल बुक्स। अब बेटे होती क्या है, आपको मालूम है कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में एक अलग से आइटम आ चुकी है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, कि एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हो गई बट अलॉटमेंट पेंडिंग है, अलॉटमेंट पेंडिंग है, उसको अलग से दिखाओ। As per new format, Schedule 3 of Companies Act 2013, ये बात तो सबको पता है। तो बेटे मैं आपको यही बात कहने जा रहा हूं, मैं आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि आजकल Companies Act 2013 के हिसाब से एक तो आपको जो statistical books prepare करनी है, उसमें बेटे पहली बुक शेयर एप्लीकेशन मनी का एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है। बेटे रजिस्टर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट, बेटे एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट का आपको एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आप जब कॉल करते हैं तो बेटे उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। बेटे उसके बाद आप जब सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो हम कहते हैं जी एक रजिस्टर बनाइए, रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो आप समझ रहे कहानी कहां से शुरू हुई, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रजिस्टर बनाए, दूसरी बात कॉल का रजिस्टर बनाएं, तीसरी बात सर्टिफिकेट का रजिस्टर बनाएं, और बेटे जब शेयर्स लोगों को ट्रांसफर करने होते हैं, अब शेयर्स मिल गए तो ट्रांसफर होंगे, तो रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर कि रामलाल के पास थे अब मोहनलाल के पास हो गए, मोहनलाल के पास थे अब श्यामलाल के पास हो गए, श्यामलाल के पास थे रंगरंगलाल के पास हो गए। तो बेटे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो पहला 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 आपको रजिस्टर्स ये बनाने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं बेटे स्टैटिस्टिकल बुक्स। आपकी प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है, आपको भले आता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आप प्लीज उन स्लाइड्स को जल्दी से लिखेंगे, कोई बहाना नहीं, आता है कुछ नहीं बेटे, कोई बहाना है ही नहीं, पढ़ाई में कोई बहाना नहीं है, लिखिए, रजिस्टर खोलिए और लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स, What do you mean by statistical books? आपको एक नोट लिखना है, एक कमेंट लिखना है कि आप statistical books के बारे में क्या जानते हैं। बेटे CS Practice Manual पेज 131 क्वेश्चन नंबर 12, पेज 131 क्वेश्चन नंबर 12, हिंट ऑफ क्वेश्चन 16, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, as per Companies Act 2013, बेटे आजकल 2013 की बातें हो रही है, 2013 में statistical books भी बनानी जरूरी हो चुकी है, तो लिखे ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, कमर सीधी करो, ढीले क्यों बैठे हो, ध्यान आपका पढ़ाई में होना चाहिए, तभी आएंगे 80+, बिना बात के बहाने, बिना बात के rumors पे अपना समय बर्बाद मत करो, समय कीमती है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, बराक ओबामा भी अगर आपसे खुश हो जाए,
नरेंद्र मोदी भी खुश हो जाए, ट्रंप भी खुश हो जाए, तो बेटे आप उनसे कहो जी मुझे टाइम दे दो। वो कहेंगे यार ये तो हमारे पास भी नहीं है। इसका मतलब इस दुनिया में सबसे महंगी चीज टाइम है, समय है, तो समय वेस्ट मत करो बेटे, लिखो। As per Companies Act 2013, certain books are to be maintained by every company. Following are some of the statutory books. बनाए बेटे statutory, 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 जो compulsory है बेटे। पहला register of charges. रजिस्टर ऑफ चार्जेस लिख लीजिए, मुझे पता है आपने कंपनी लॉ में किया हुआ है, फिर भी लिख लीजिए क्या हो गया, थ्योरी कर रहे हैं। नेक्स्ट मिनट बुक्स बेटे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, क्या डिसाइड हुआ, क्या हुआ, एजेंडा क्या था, वो सारी बातें मिनट बुक कहलाती है, उसको भी बनाना इज अ स्टैट्यूटरी कंपल्शन। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उस कंपनी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनका ब्यूरा, उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बेटा रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, उस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन है, मिस्त्री साहब है, रतन टाटा है, और वाडिया है, और कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, और की चाबी, चाबी वाले पर्सन, की पर्सन कौन कौन से। रजिस्टर ऑफ लोन टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को लोन कितना दिया हुआ है, उसका रजिस्टर बनाइए, उसका रजिस्टर बनाइए। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय अ कंपनी, एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है, उसका रजिस्टर बनाइए। बेटे आपसे पूछा है स्टैटिस्टिकल बुक्स, लेकिन आपने कहानी शुरू की है स्टैट्यूटरी बुक्स से। मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में लिखना कैसे है, तो आपके बाद मेन आंसर में आ जाइए। इन एडिशन टू statutory books, a company usually maintain number of other books. A company usually maintain number of other books called as statistical books. बेटे उनका नाम है statistical books. To keep a record of its transactions. बेटे अपनी transactions का record करने के लिए, तो लिखें in addition to statutory books, a company usually maintain other books called as statistical books. तो लिखें जी कौन कौन सी होती है बेटे, share application and allotment book, share application and allotment book, share call book, register of members. बेटे आसान है याद करना, पहले application allotment बनी होती है, फिर call होती है, फिर उसके बाद members होते हैं, फिर वो transfer करते हैं, फिर उनको dividend मिलता है। तो बेटे वही registers बनाने हैं, आप जल्दी से लिख लें, याद भी हो गया। Share application and allotment book, share call book, register of members, share transfer book, dividend register. तो बेटे ये सभी के सभी sampling books हैं, ये statistical books हैं, prepare करनी compulsory। तो आप सब लिखे, याद भी हो गया मुझे पता है। तो बेटे आपको short note आएगा तो अब आप लिख पाएंगे, मेरी बस यही भावना है, आपको सच सच बताना कि section नहीं भी लिखे तब भी चलेगा। तो बेटे इस तरह से हम आपकी प्रैक्टिस मैनुअल को भी कवर कर रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।